लेडीज एंड जेंटमैन बी रेडी विद मॉड्यूल फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट द मैक्स वेबर अ वेरी क्रिटिकल थेरिस्ट एक्चुअली इन केस कि जहाँ पर उनको हिस्टोरिकली मैंने जैसे बताया कि ग्यारह थेरिस्ट की मैंने आमतौर पर बात की अब तक लोग जो uh, अपने मास्टर थी कर रहे हैं जो आंट्रप्रिय रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व uh, हैं और वो लोग जो पी एच डीज भी कर रहे हैं उनके अंदर वो को लेते हैं ताके या के अंदर जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज को आप डिनाय नहीं कर सकते जिसका बड़ा फैक्टर मैक्स वेबर मैक्स वेबर वेबर बारे में इतना और भी करवाना चाहता हूं कि फैले हुए अगर आप देखें कि ये मैक्स वेबर नया एंगल दिया देखने का जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि साइकोलॉजी होती है, है रिटर्न्स होते हैं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की कि कि एक खुशी भी होती है एक फेद भी होता है एक बिलीव सिस्टम भी होता है इसके ऊपर जब वो आगे बात करते हैं आइए हम इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने चंद करेक्टरिस्टिक्स को लेकर चले और वो उन करेक्टरिस्टिक्स को ऐसे लेकर चलते हैं, वो कहते हैं कि जब इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है तो उसको कैपिटलाइज होना चाहिए उसको कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है वो कहते हैं ये एक सोसाइटी का एक नॉर्मेटिव ट्रेंड होता है फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को ले लीजिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों हैं? हम अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है अच्छा हमारे से पहले जो है वो एक दो मुल्क जो थे वो तरक्की कर गए सत्तर साल का पाकिस्तान सत्तर साल का चाइना अच्छा उसके आगे हम देखते हैं कि सिंगापुर की मिसाल देख लिए तीस साल के अंदर सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल हब बन गया कैसे अच्छा अब मैं इन नए एग्जाम्पल्स को नहीं लूंगा मैं पुरानी के साथ चलना चाहता हूं वो ये कि हम किसी को कैपिटलाइज करते कैसे फिर आप गौर से समझिए जैसे मैंने लास्ट में कहा कि फितरत खसलत जबिलत इंस्टिंक्ट है नेचर है और करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर करो फिर एक आदत के अंदर आते हैं हाँ आदत को अगर आप इंडिविजुअलिटी पे रखेंगे तो आप एक आदमी बनेंगे और एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टैंड आउट करेगा और वो ब्लू आइट बॉय बन जाएगा ठीक है कमारा है प्रॉफिट अर्नर है अर्नर यंग है एंड सो ऑन सो फोर्थ कोई बड़ी बड़ी फॉर्म हो सकती हैं माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है मैकन uh, uh, हो सकता है एंड सो सो फोर्थ लेकिन वो कहता है कि पूरा सोशल चेंज कैसे आएगा सोशल चेंज उसने का बिलीव से आएगा अच्छा लेकिन ये थोड़े से अपने आइडियाज के साथ ऐसे चलते रहे जो कि एक तरफ तो इनके आइडियाज ने काफी किक किया और काफी क्लिक लिया वो ये कि करेक्टर्स जो हैं उन्होंने कहा कि ये चेंज होते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बो, बोले कि ही प्रपोज द कैपिटलिज्म वॉज लार्जली इंस्पायर बाई द रिलिजन उन्होंने कहा कि फेथ सिस्टम के बगैर भी आइडिया नहीं है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अगर आप टर्म लिखना चाहें तो लिख लें जो आगे मास्टर्स के बाद या बीएससी के बाद आगे पीएचडी करने का इरादा रखने वाले लोग जो हैं वो इसको सोच सकते हैं इस फैक्टर को यानी फेथ बेस इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा एंटरप्रेन्योर्स भी इसी को देखते हैं उन्होंने कहा कि मजहब डिराइव करता है बेसिकली स्ट्रक्चर को लेकिन इनकी ये थ्योरी जो है वो आगे जाके थोड़ी सी खराब होगी लेकिन इसको ये टर्म देते हैं तो हमारा है, हमारा फेद बेस मैकेजम है जो हमें खाने से नहीं रोकता जो हमें कहता है कि पेट को रोकने की खास जरूरत नहीं है हमें उन आइडियाज के बारे में कथन बात नहीं कर रहे जिनके बारे में और बातें बनाई जा सकती है मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये सबसे पहला बात अगर देखें तो हदीस मुबारक में अक्सर देखा होगा कि अल्का से ज... वो हबी बोला अल्का से हाथ वो अल्लाह का हाथ बन जाता है जो कि कस और काम के दौरान लगा रहता है यानी काम करते रहने को इबादत का दर्जा इस्लाम ने दे दिया अब ये एक फेथ बेस मैकेनिज्म है अच्छा लेकिन इन्होंने कैलवनिज्म के अंदर साहब ने हिंदुज के ऊपर हिट करते हुए कहा कि जो है वो फेद उनका फेद जो है वो कामों से दूर तरफ लेके जाता है अब अगर आप देखें बुद्धिज़्म के अंदर देखें तो ये पुराना आइडिया अगर आप देखते हैं तो एक तो मांस मछी बंद हो गई यानी मीट यानी गोश वगैरह गोश बंद कर दी फिर और भी चीज़ों के ऊपर पाबंदी तो बहुत सारी पाबंदियां थी और फिर उनको कहा गया कि आपने तीन जो है वो अलीदगी में गुजारने आ, 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 इस्टोपास बन गए स्टोपास के अंदर लोग रहने लग गए फिर दुनिया से बेजारी आना शुरू हो गई रहबानियत बढ़ना शुरू हो गई और रहबानियत ने इस रहबानियत ने चाइना को सुला दिया फिर इस रहबानियत ने, ने नेपाल को सुला दिया इस रहबानियत ने और कई मुल्क थे जिनके अंदर बुद्धाजम जब फैला तो बेसिकली उसके आफ्टर इफेक्ट्स में यह था कि इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो काम होना शुरू हो गए इंडस्ट्री नहीं लग रही लोग नेचर की तरफ रागब हो गए लोग धूप सेकते थे नदियों से पानी पीते थे लेकिन यहां पे फैक्ट्रीज नहीं लग रही बिस्किट नहीं आ रहे बंस नहीं आ रहे खाना पीना नहीं हो रहा और ये चीज़ें इस तरीके से चलने लग गई अच्छा, देखा जाए तो हिंदू सोसाइटी के बारे में यह कहा कि नहीं वहां इतना ज्यादा इसने तंग नहीं किया जिसके बारे में सकता है लेकिन अगर वहां पे जोगी या योग को देखा जाए तो वो कामों से संन्यास लेके अपने आप को दूरी इख्तियार करते हैं और वो कमर्शियलिज्म की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते तो मैक्स वेबर साहब कुछ हद तक ठीक है लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि हिंदुज़म के मुताबिक या हिंद के अंदर जो ख़ास तौर पे भारत है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था मज़हब ने इतना बड़ा फैक्ट नहीं किया बल्कि वहां पे सोशलिस्ट आइडिया ज़्यादा रहे और कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ती रही और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती रही इसमें पर मज़ीद बहस हो सकती है लेकिन हम उस पर नहीं कर रहे आगे वो ये कहते हैं कि ऑल्सो बिलीव स्पिरिट ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियल एंडोरियल फैब्रिक मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जी मजहब की बुनियादों के ऊपर एक फेथ बेस्ड बिलीफ सिस्टम बनता है सबसे पहले परसेप्शन है फिर उसकी कंसेप्शन है मैं कंसेप्शन के बाद डिसेप्शन पर नहीं आने लगा अब परसेप्शन कंसेप्शन फिर बिलीफ और फिर फेद फेद के अंदर अगर मैं आपको दोबारा हम आ, आ, इस्लाम की तरफ से एग्जाम्पल दूं तो पूरे कुरान मजीद के अंदर और पूरे हदीस मुबारक के अंदर आपको मिलेगा कि मुसलसल काम करते जाओ खुद भी खाओ लोगों को खिलाओ और अगर तुम्हारे पास माल की ज्यादा है तो उसको तकसीम की तरफ लेके आओ मसाव की तरफ लेकर आओ और एक ऐसे कल्चर को परवान दो तो इस हिसाब से मैक्स वेबर की जो सोशल चेंज तहरी है इस्लाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी ये कंपैरिजन के लिए मैंने और भी आपको मजाहिब बता दिए लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें चाइना के अंदर ज़्यादातर जो है वह बुद्धिज़्म की तरफ तवज्जो कम थी वो उस ज़माने में भी एक और फिलासफर थे उनकी तरफ उसकी तवज्जो ज्यादा थी बाद में सांजू आ गए आर्ट ऑफ वॉर आ गई और उसके अंदर बेशुमार आइडियोलॉजीज आ गई फिर ग्लोबलाइजेशन है और आज का चाइना में सिर्फ बताता चलूं कि वो एक क्लोज सोसाइटी नहीं रहा लेकिन मैक्स वेबर जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म के कायल थे अब आगे वो कहते हैं वो इस पे और को करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट विल लीड इकोनॉमिक सोलवेशन अच्छा वो कहते हैं कि सही तरीके से जो जिंदगी है वो इकोनॉमिक सोलवेशन की तरफ जाती है और फिर वो ये, ये भी बोलते हैं कि ऑल वर्क इज सेक्रेट सेल्फ uh, डिसिप्लिन की बात करते हैं हार्डवर्क की बात करते हैं मोडेस्टी की बात करते हैं तो अच्छा मोडेस्ट होना हम्बल होना अच्छा फिर वो बोलते हैं कि रिजेक्शन ऑफ द सेल्फ इंडलजेंस अच्छा आप आइडलनेस के ऊपर खिलाफ बात करते हैं ये मैंने वो सारी बर खिलाफ बातें बताई जो कि किसी भी बेस का फेद बनता है कहने के मतलब ये कि लेजीनेस आइडलनेस uh, खामोश बैठे रहना और सबसे ज्यादा हमारे माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले मैं इस मॉड्यूल के खत्म होने से पहले बताना चाहता हूं वो ये ये कि हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे पास सरमा नहीं है इनपुट नहीं है इनपुट अमाउंट नहीं है और इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग बैठे हुए हैं बेकार बैठे हुए हैं और चाइना में कहते हैं कि एक घर के अंदर ग्यारह बारह अगर खाने वाले कमाने वाले ज्यादा हैं और खाने वाले कम है और पाकिस्तान में एक कमाने वाला होता है और बेशुमार खाने वाले होते हैं ये आइडलनेस है लेकिन अगर आपका फेथ बेस्ड स्ट्रक्चर बन जाए आपका एक सोसाइटल चेंज का कॉन्सेप्ट बन जाए एक मोडेस्टी आ जाए एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए राइटियसनेस आ जाए वो आपको उस तरफ ले जाएगा और अफाम बिलीफ की तरफ ले जाएगा कि जितना हम इनपुट करेंगे उतना आउटपुट होगा और उतना आप अगर बेहतर रहेंगे ये अल्लाह ये जिसम ये जान ये अल्लाह की दीवी है इसको बेहतरीन तरीके से लिविंग लेकर लेनी है और अगर आपने अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए अच्छा आ, आउटकम आपको चाहिए ताकि आप आप भी खुश रहें आपकी सोसाइटी भी खुश रहे थैंक यू वेरी मच वी विल सी यू ऑन मॉड्यूल फिफ्थ थैंक यू